भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कुछ वक्त पहले अभिनेता आर माधवन और मशहूर वैज्ञानिक नंबी नारायण की मुलाकात पीएम मोदी से हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें अब जाकर सामने आई हैं, जिसे खुद रॉकेटरी फिल्म के अभिनेता आर माधवन ने शेयर किया है। उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है, उन्होंने लिखा है कि कुछ हफ्तों पहले एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का मौका मिला। हमने रॉकेटरी द फिल्म की बातचीत की है, उस विषय पर पीएम से। फिल्म के क्लिप्स और नब्बी जी के साथ किए गए गलत व्यवहार को देखकर पीएम के रिएक्शन ने हमारा दिल छू लिया, यानी कि जरूर उस वक्त पीएम मोदी भावुक हुए होंगे। इस सम्मान के लिए धन्यवाद सर। रॉकेटरी का ट्रेलर जब से सामने आया है, तब से हर कोई इसकी असली कहानी जानना चाहता है। तो भारत तक वो मंच है जो आपको रॉकेटरी की ओरिजिनल स्टोरी बताने जा रहा है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी इसरो के सायरोजोनिक्स विभाग के प्रमुख थे, जब वो एक जाली जासूसी कांड में फंसे। नवंबर 1994 दरअसल में उस साल में नवंबर के महीने में नंबी पर आरोप लगा कि उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी कुछ गोपनीय सूचनाएं विदेशी एजेंटों से साझा की। दरअसल हुआ ये कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से एक मालदीव की महिला, जिसका नाम बताया जाता है मरियम राशिदा, वो गिरफ्तार की जाती है। और उसके आगे की जो कहानी है वो भी अपने आप में किसी फिल्म की तरह है। वो जब गिरफ्तार होती है तो उस पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग के बारे में खुफिया जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान को बेचने का आरोप था। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे नंबी नारायणन, उनको भी इस मामले में लपेट कर गिरफ्तार कर लिया गया। वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, उनके साथ दो और साइंटिस्ट डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया जाता है। सभी पर दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगता है। इसके अलावा इस मामले में रूसी स्पेस एजेंसी के एक भारतीय प्रतिनिधि एसके शर्मा, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की सहेली फैजिया इसन को भी गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद जो है वो जांच पड़ताल की कार्रवाई शुरू होती है, और इसमें जो है नंबी नारायणन को लपेटना वो एक अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से वो सामने आया था। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है, इससे जुड़े रहस्यों के तार जो है वो जोड़े जाने लगते हैं, खोजे जाने लगते हैं, जाँच एजेंसियाँ जाँच करती हैं। जिसके बाद साल 1996 में CBI ने नंबी के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बता दिया। उन्हें कहा कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य कोई सबूत है ही नहीं। 1998 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन तब तक सब कुछ बिगड़ और बर्बाद हो चुका था, क्योंकि एक जीवन का महत्वपूर्ण वक्त, एक पीरियड जो है वो निकल चुका था। साल 2001 में नंबी के रिटायर होने का वक्त आ गया, लेकिन नंबी ने आगे केस लड़ने का फैसला किया और वो अपनी बेगुनाही को पर जो है वो पुख्ता मुहर चाहते थे। सितंबर 2018 में नंबी की झूठे केस पर गिरफ्तारी और उन पर हुए टॉर्चर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच बैठाई गई और उसने जांच किया। जांच के बाद जो है केरल सरकार को आदेश दिया गया कि मानसिक प्रताड़ना के हर्जाने के तौर पर नबी को जो है 50,00,000 रुपए दिए जाए। केरल सरकार ने आदेश मानते हुए 1.3 करोड़ रुपए का भुगतान नंबी नारायणन को किया। इसके बाद 2019 में नंबी को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, जिसके बाद अब जो है वो रॉकेटरी फिल्म भी इन पर बनाई जा रही है। इनके साथ जो कुछ हुआ उस पर ये फिल्म बनाई जा रही है। आर माधवन इसमें कलाकार हैं और वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और इस पूरी फिल्म में उनके साथ जो गलत व्यवहार को किया गया वो दर्शाया गया है। ट्रेलर भी देखकर लगता है कि कितनी नाइंसाफी के साथ एक शख्स को
गुजरना पड़ा होगा और उसने बेचारे ने क्या कुछ झेला होगा उस दरमियान, क्योंकि हमारे देश में फैसले से पहले ही समाज एक मन बना लेता है और आप समझ सकते हैं बखूबी कि किस तरीके से किन नज़रों के साथ नंबी नारायण को एक लंबे वक्त तक जीने को मजबूर होना पड़ा, जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं थी, जिसके बाद अब जो है वो उनके ऊपर ये फिल्म बन रही है, भारत सरकार ने भी सम्मान दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।